अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका ढेर सारा वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपसे इवनटोन सी क्रीम का रिव्यू करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और वो कैसे आपकी स्किन की प्रॉब्लम से काम करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इवन टोन जो सी क्रीम है ना, इसमें दो मेजर इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। एक है विटामिन सी और एक है ग्लूटाथियॉन। विटामिन सी जो होता है ना, ये डेड सेल्स के टर्नओवर को बढ़ाता है, ऊपर से डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करता है, पील ऑफ करता है, शेड ऑफ करता है। जब पिगमेंटेड डेड सेल्स ऊपर से हट जाएंगे ना, तो आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा, डार्क स्पॉट्स भी फेड होंगे, पिगमेंटेशन भी लाइट होगी। अगर आपकी स्किन अनइवन हुई हुई है ना, वो भी इवन हो जाएगी और आपके फेस पर ग्लो तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है ना। और ग्लूटाथियॉन का जो काम होता है ना, ये भी एक एंटी ऑक्सीडेंट है, विटामिन सी भी एक एंटी ऑक्सीडेंट है। ग्लूटाथियॉन का काम होता है टायरोसिन एंजाइम को ब्लॉक करना, इनोबिट कर देता है उसको, तो नया मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता। तो नया मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा तो आपके फेस पर जो है ना पिगमेंटेशन है तो वो भी रिड्यूस होगी, डार्क स्पॉट्स हैं तो वो भी फेड होंगे। ग्लूटाथियॉन जो होता है ना, ये यू मेलानिन को फ्यू मेलानिन में कन्वर्ट कर देता है। यू मेलानिन जो होता है ना, ये आपकी स्किन का डार्क कलर बनाने का काम करता है, और जो फ्यू मेलानिन होता है ना, ये लाइट कलर बनाता है हमारी स्किन का, ये स्किन को पिंक रंगत देता है। तो जो ग्लूटाथियॉन होता है ना, ये यू मेलानिन को फ्यू मेलानिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्रीम की जो फार्मूलेशन है ना, ये बहुत अच्छी हुई हुई है। ये अंदर से भी जाकर काम करती है, ग्लूटाथियॉन अंदर से पिगमेंटेशन को रोकता है, डार्क स्पॉट्स को फेड करता है, आपकी रंगत को निखारने का काम करता है, और विटामिन सी जो बाहर से प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने का काम करता है। तो इसकी फार्मूलेशन इस क्रीम की बहुत अच्छी हुई हुई है। MRP थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी, 1895 है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है ना। ये क्रीम जो है ना, बहुत ज़्यादा हाइप में है, ठीक है। इसकी जो है ना डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, फार्मूलेशन बहुत अच्छी है। जो अच्छी फार्मूलेशन हुई होती है ना, वो खुद ही वायरल हो जाती है, ठीक है ना। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, लेकिन हमसे भी क्लाइंट मांगते थे, तो मैंने सोचा कि इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के आपके साथ इसका रिव्यू किया जाए। इसमें नियासिनामाइड है, और इसको आपने ना थोड़ा थोड़ा लगाना है लाइट में, और नाइट में यूज़ करें, डे में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डे में आप सनस्क्रीन यूज़ किया करें। इसको आपने नाइट में यूज़ करना, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, और कोई इतना साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इसका, ठीक है ना। अगर आप अपनी रंगत को निखारना चाहते हैं, विटामिन सी होने की वजह से ना इसमें हल्का एंटी एजिंग इफेक्ट भी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंटी एजिंग के लिए भी, अगर आपको थोड़ा बहुत कंसर्न है तो। अगर आपको साथ एजिंग के साथ पिगमेंटेशन भी है, डार्क स्पॉट्स भी हैं, तो फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग क्रीम है ये, इसको डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, आप जरूर यूज़ करें। अगर आपकी कोई स्किन का इशू है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, अगर आपके फेस पर जो है ना आपकी टैनिंग हुई हुई है, फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूटाथियॉन जो है ना, वो टैनिंग, अगर आपकी स्किन हुई हो, टैन हुई हो, उसको भी रिमूव करने का काम करता है। इसमें नियासिनामाइड भी है, तो बहुत अच्छी फार्मूलेशन हुई है, ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।